सत्यवादी हरिश्चंद्र की सत्य सुनो कहानी, सत्य कारण दिए वचन पे डटे रहे महादानी। सत्यवादी हरिश्चंद्र की सत्य सुनो कहानी, सत्य कारण दिए वचन पे डटे रहे महादानी। त्रेता युग की बात है। उन दिनों अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंशी हरिश्चंद्र थे। वे संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। धर्म में उनकी सच्ची निष्ठा थी और उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। सभी की जुबान पर हरिश्चंद्र का नाम था। महाराजा हरिश्चंद्र की जय। सभी उनके सद्व्यवहार, दानशीलता और सत्यनिष्ठा का लोहा मानते थे। देवता उन पर प्रसन्न थे। उनके शासनकाल में प्रजा संतुष्ट थी। सारी प्रजा भगवान की उपासना करती थी और अपने अपने धर्म में तत्पर थी। सभी धनी थे, शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, परंतु अभिमान किसी में भी नहीं था। उनके पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ की आज्ञा से ही उनका राजकाज चलता था और वे वशिष्ठ जी का बड़ा सम्मान करते थे। वशिष्ठ सब प्रकार से योग्य थे। इंद्र सभा में हरिश्चंद्र के पुरोहित होने के कारण उनको और भी सम्मान मिलता। इंद्र की सभा में वशिष्ठ के अतिरिक्त विश्वामित्र, नारद आदि ऋषि महर्षि भी उपस्थित होते तथा देवताओं के साथ ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक के संबंध में वार्तालाप करते थे। एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महर्षि एक ओर बैठे हुए थे। इंद्र के सामने यही चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी लोक में आजकल सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है? 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 सबसे बड़ा सत्यवादी, धार्मिक और प्रजा को प्रसन्न रखने वाला राजा हरिश्चंद्र हैं।